12 सालों के बाद भारत और श्रीलंका की टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इस विश्व कप में भिड़ने जा रही हैं। आज उस मैच पर मैं बातचीत नहीं करूंगा, मैं बातचीत करूंगा कि 12 साल पहले जब भारत और श्रीलंका की टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मिली थीं, तब क्या हुआ था, इन दोनों की मुलाकात में क्या बात खास थी, आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और श्रीलंका के बीच विश्व कप का मुकाबला गुरुवार को खेला जाना है और ये जो जानकारी है वो ये आ रही है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 12 साल बाद भारत और श्रीलंका की टीमें वनडे इंटरनेशनल में भिड़ने वाली है। तो 12 साल पहले जो आखिरी मुकाबला वनडे का यहां हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच, तो उसमें क्या हुआ था, तो तारीख आपको बता देता हूं, कुछ याद आ जाए। तारीख थी 2 अप्रैल साल 2011, याद आया? जी हां, भारतीय टीम ने 28 सालों के सूखा को खत्म किया था। किस चीज का सूखा? जी हां, विश्व कप जीतने का सूखा जो है वो खत्म हुआ था। 2 अप्रैल 2011 को विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था और उस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिली थी, वो भी 7 विकेट की। वो मुकाबला अंततः एकतरफा साबित हुआ था, लेकिन मुकाबले में फाइट शुरुआत में दिखी थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर की पारी ने मैच में भारत की स्थिति गंभीर नहीं होने दी और उन्हें 28 सालों के बाद विश्व कप दिला दिया था। 1983 के बाद 2011 में यह विश्व कप भारत को मिला था। हालांकि अगर हम उस विश्व कप की बात करें और उसे इस विश्व कप से जोड़ें, तो जो हम समानता ढूंढ सकते हैं वो ये ढूंढ सकते हैं कि उस विश्व कप में और इस विश्व कप में जो खिलाड़ी तब खेले थे, उसमें से 3 खिलाड़ी जो है वो इस मुकाबले में भी अपनी अपनी टीमों के साथ हैं। जी हां, 2 अप्रैल 2011 को जो फाइनल मुकाबला हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में, उसमें 3 खिलाड़ी थे। भारत की ओर से विराट कोहली और रविचंद्रन अश्विन उस विश्व विजेता टीम के हिस्सा थे, तो श्रीलंका की ओर से एंजेलो मैथ्यूज उस टीम का हिस्सा थे। लेकिन उनमें जो आपको रविचंद्रन अश्विन है भारत के लिए और एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के, वो फाइनल मुकाबला नहीं खेले थे। फाइनल मुकाबला विराट कोहली ने खेला था और उस मुकाबले में उन्होंने 35 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी भी खेली थी। अगर उस मुकाबले को याद करें तो श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 274 रन बनाए थे। फाइनल के हिसाब से यह स्कोर अच्छा था। महिला जयवर्धने ने शतक लगाया था, जहीर खान और युवराज सिंह ने 2-2 विकेट लिए थे। जब 275 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम उतरी थी, तो उसे जल्दी जल्दी 2 झटके लग गए थे। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर आउट हो गए थे और तब वहां से भारतीय टीम ने मैच जीता था, जिसमें कि योगदान रहा था कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर का, और बाद में युवराज सिंह ने भी एक बड़ी उपयोगी पारी खेली थी। भारत 7 विकेट से जीता था और धोनी का कुलशेखरा पर जमाया गया विजयी छक्का सभी के जेहन में जो है वो अभी भी बसा हुआ है। तो बस, भारत श्रीलंका का मुकाबला गुरुवार को होना है, तो उससे पहले चूंकि ये बात याद आ गई कि 12 साल पहले दोनों टीमें मिली थी, तो क्या हुआ, ये एक सुनहरी याद है जो हम सब के दिल के बहुत करीब है और हमने उसे अपने दिल में बड़े ही मतलब अच्छे ढंग से संजो कर रखा है। उस याद को हम हमेशा याद करते हैं और खुश होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रेजेंट भारतीय टीम है, उस जीत को याद कर, उस विश्व चैंपियन बनने की कहानी को याद कर, एक बार फिर से बेहतर प्रदर्शन करेगी और गुरुवार को श्रीलंका को पराजित कर इस विश्व कप में अपनी लगातार 7वीं जीत दर्ज करेगी, क्योंकि इस जीत के साथ ही भारत का सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म हो जाएगा।
भारतीय क्रिकेट टीम को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।